विनर्स हैं कि जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। और जब मैं कहता हूँ तारीफ की जाए कम है, इसका मतलब आप समझ लें कि जो यहाँ बैठे मुस्कुरा रहे हैं और जो बैठे हैं, इसके पीछे इनकी कितनी शिद्दत है, कितनी मेहनत है, जिसकी वजह से आप तालियां इनके लिए बजाते हैं। तो मैं चाहता हूँ पहले और जोर से इनके लिए तालियां बजनी चाहिए। आदरणीय लोकेश मुनि जी, आदरणीय गोपाल दास जी, जितने भी अतिथि हैं जिनका मैं नाम जानता हूँ और पहचानता हूँ, अभी बातें बातें हो रही थी इनसे, उन सबको मैं तो नमन करता हूँ। साथ साथ उन बच्चों को मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने छोटी सी उम्र में अपना झंडा गाड़ा है कला का। और मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं तौफीक भाई, उनके लिए जरा ताली बज दीजिए। मुझे लगता है कि ये अंदाज नहीं है आपको कि क्या इंसान बैठा है हमारे मंच पर। सभी को नमन करते हुए मैं किसी लेडी की चीख सुन रहा था कि अन्नू मलिक को बोलो शायरी बोलिए। अच्छा, मैं बताना चाहता हूं मेरी शायरी में शायर नहीं हूं, मैं तुगबंदी करता हूं माहौल को देखकर, और जो मुझे श्री कृष्णा जी ऊपर वाले दे देते हैं वो आ जाता है। अब जैसे कि सूर्य दत्ता है, कोई बोलेगा सूर्य दत्ता पर क्या बोलेंगे आप, तो मैं, मेरे दिल से एक बात निकल रही है जो मैं कहना चाहता हूं कि जब मुझे लगा, ये सुन लीजिए आपके लिए जो आप हाथ हिला रही है, बोली शायरी बोलो, और गोपाल जी ये अचानक ही निकल रही है जी, कि जब मुझे लगा कि कला के क्षेत्र से कट जाएगा अन्नू मलिक का पत्ता, जब मुझे लगा कि कला के क्षेत्र से कट जाएगा अन्नू मलिक का पत्ता, मुझे बुलावा आया फ्रॉम द वन एंड ओनली सूर्य दत्ता। जब मुझे लगा कि कला के क्षेत्र से कट जाएगा अन्नू मलिक तेरा पत्ता, मुझे बुलावा आया फ्रॉम द वन एंड ओनली सूर्य दत्ता। अब लगता है फिर से शुरू।